नमस्कार दोस्तों, शांति श्रम न्यूज में आपनु स्वागत छे। चालो नजर करिए आज ना समाचार पर। शांति श्रम न्यूज नी चैनल ने लाइक अने सब्सक्राइब करो अने बेल आइकोन पर क्लिक करो। एकतानगर खाते मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र भाई पटेल नेतृत्व में योजाई रहेली 10मी चिंतन शिबिर प्रथम दिवस उत्तरार्ध में श्रेष्ठ मैनेजमेंट और योगा वे ऑफ लाइफ उपरांत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विषय बे महत्वपूर्ण चर्चा सत्र आयोजन थयु हतु। आ चर्चा सत्र में मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल मंत्रिमंडल सदस्य उपरांत वरिष्ठ अधिकारी सहभागी थया हता। स्ट्रेस मैनेजमेंट विषयों शिविरार्थियों ने उपयोगी माहिती मार्गदर्शन आपता तज्ञों जणाव्युं हतुं के राज्य की 6 करोड़ जनता भविष्य घड़वैयाओ और नीति निर्धारकों तरीके सौए पोतानी कार्यशैली तनाव मुक्त रहे ए बाबत खूब अगत्यनी छे। वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी शनिवार G7 मीटिंग में हाजरी आपवा माटे जापानना हिरोशिमा पहुंचा। आ दरमियान G7 समिति में भारत और अमेरिका की मित्रता देखाई। बात जाने एम छे कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन पण आ बैठक में सामेल थया छे। बाइडन त्यां पहोंचता ज पीएम मोदी ने जोता ज तेमनी पासे पहोंची गया अने तेमने गले लगाव्या। पीएम पण तेमने एटली ज उष्मा साथे बाइडन ने भेटी मळ्या हता। मार्च महीना में योजाई गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षण बोर्ड की धोरण 10 और 12 की परीक्षा परिणाम ने लेने मोटा अपडेट्स सामने आया है। गुजरात माध्यमिक माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक शिक्षण बोर्ड की धोरण 10 और 12 की सामान्य प्रमाण की परीक्षा परिणाम जून महीना में जाहिर हो सके। विगत मुजब धोरण 10 और 12 परिणामों जून प्रथम अठवाडिया में जाहिर हो सके। कांग्रेस कर्नाटक बाद राजस्थान की लड़ाई जीतने की तैयारी शुरू कर दी है। राज्य सरकार का काम सीएम अशोक गहलोत की छबी और कर्नाटक ढंढेरा आतरण साधनों कांग्रेस राजस्थान में लागू करवा जा रही है। पार्टी ने विश्वास है कि राजस्थान में इतिहास ने तोड़ी फरी पोतानी सरकार बनावशे। कर्नाटक में कांग्रेस प्रचार संचालन करती एजेंसी राजस्थान सरकार माटे काम कर रही एवं कहेवामां आवी रह्युं छे कि राजस्थान की चूंटणी में सीएम अशोक गहलोत कर्नाटक की नीतियों ने अपनावा जा रहा है। आ एजेंसी पहलेथी ज गहलोत सरकार कामनुं ब्रांडिंग कर रही है तेथी तेनी शक्यताओ छे। गहलोत पहलाथी ज तेमना पर विश्वास कर रहा है। हवे कांग्रेस पार्टी पण तेमनो पर विश्वास कर्यो छे। उत्तर प्रदेश लखनऊ खाते आगामी तारीख 24 मे थी तारीख 3 जून सुधी योजना खेलो इंडिया स्पर्धा में ऑल इंडिया में रमतगमत क्षेत्र में सिल्वर गोल्ड के ब्रोंज मेडल मेळवे होय तेवा खिलाड़ियों जोड़ाए। पाटण यूनिवर्सिटी 11 खिलाड़ियों सिद्धि हासिल करी होवाथी तेमनुं सिलेक्शन खेलो इंडिया स्पर्धा माटे थयुं छे। समग्र उत्तर गुजरात खिलाड़ी माटे गौरवरूप बाबत छे। आ खिलाड़ियों जुदी जुदी जेवी के जूडो आर्चरी टेनिस फेन्सिंग जेवी स्पर्धा में खेलो इंडिया में उत्तर प्रदेश लखनऊ खाते पोतानुं कौवत देखाड़शे। सिमको सनलाइट पेंट्स कविन साफ्टर मशीन थी कलर बनावनार नवीन घर ने सुशोभित करवा एक बार अवश्य मुलाकात लो। सिमको सनलाइट पेंट्स मधमाखी दिवस की उजवणी निमित्त बनास डेरी एमबीबी और राष्ट्रीय मध बोर्ड संयुक्त उपक्रमे योजाएल कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि અને કિસાન કલ્યાણ મંત્રી શ્રી નરેન્દ્રસિંહ તોમરની વર્ચ્યુઅલ ઉપસ્થિતિમાં બાદરપુરા બનાસ સંકુલ ખાતે 1 કરોડની ખર્ચથી નિર્મિત રાજ્યની સૌ પ્રથમ મદ લેબનું વિધાનસભા અધ્યક્ષ અને બનાસ ડેરી ચેરમેન શંકરભાઈ ચૌધરીના હસ્તે લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું। આ કાર્યક્રમમાં જિલ્લામાંથી મધમાખી ઉછેર કરી મધ ઉત્પાદન કરતા ખેડૂતો પણ મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા। આ પ્રસંગે બનાસ ડેરી વાઇસ ચેરમેન શ્રી ભગવાનભાઈ રબારી, એમડી સંગ્રામસિંહ ચૌધરી, બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર શ્રીઓ અને મધુમાખી પાલકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। भारतीय रिजर्व रुपया 2000 नोटों पाछी खींची लेवानो निर्णय लीधो ते दिवसे जयपुर में पोलीसे युद्ध भवन खाते माहिती अने टेक्नोलॉजी विभाग की ऑफिस में रुपया 2 करोड़ थी वधुनुं काळुं नाणुं रिकवर कर्युं। आ रोकड़नी साथे 1 किलो सोनाना बिस्किट पण मळी आव्या छे। सूत्रोए जणाव्युं हतुं के प्रारंभिक तपास सूचवे छे कि काळुं नाणुं विभागना कोई सरकारी अधिकारीनुं छे।
કે જેમણે પૈસા ત્યાં મૂક્યા હતા આ પૈસા કોન્ટ્રાક્ટરો દ્વારા કમાયા હશે. કહેવાય છે કે થોડા મહિના પહેલા ટેન્ડર ફાળવવામાં આવ્યા હતા, જો કે અધિકારીઓ હજુ સુધી આ વાતની પુષ્ટિ કરતી નથી. કોવિડ મહામારીએ માત્ર 2 વર્ષમાં સમગ્ર પૃથ્વીનું જીવન ખોરવી નાખ્યું છે. હવે જ્યારે આપણે આમાંથી ધીમે ધીમે સ્વસ્થ થઈ રહ્યા છીએ ત્યારે ઘણા પ્રકારના આકરણીઓ પણ સામે આવી રહી છે. આવો જ એક ચોંકાવનારો રિપોર્ટ વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશન દ્વારા તાજેતરમાં જાહેર કરવામાં આવ્યો છે, જે મુજબ કોવિડ-19 રોગચાળાને કારણે લગભગ 337 મિલિયન જીવન વર્ષા માત્ર 2 વર્ષમાં સમાપ્ત થઈ ગયા છે. કોવિડ-19ને કારણે ઘણા લોકો અકાળે મૃત્યુ પામ્યા તેના આધારે જે આંકડો બહાર આવ્યો છે, એટલે કે જેઓ અકાળે મૃત્યુ પામ્યા અથવા જેમના જીવનને અસર થઈ અને આયુષ્ય ઘટ્યું, જો તે આનું આખું જીવન જીવે તો તેના અનુસાર જીવનના વર્ષનો આંકડો 337 મિલિયન વર્ષ છે. યુનાઇટેડ નેશન્સ હેલ્થ એજન્સીના વાર્ષિક વિશ્વ આંકડાકીય અહેવાલમાં સૌથી ચોંકાવનારો ડેટા સામે આવે છે. 2022 સુધીના ડેટા અનુસાર જણાવે છે કે કોવિડ આપણી પાસેથી જીવનના કેટલાય વર્ષ છીનવી લીધા છે.